अपने तरीके से कोई कानून बना करके 10 साल की सजा 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना अगर थोप दे तो ये ड्राइवर बेचारे कहाँ से देंगे। जब किसानों के खिलाफ इन्होंने काले कानून बनाए थे, जब भी देश हित में फैसला बताया था, हमने वर्षा झेली, सर्दी झेली, इन्होंने तब जाकर के वो कानून वापस लिए। इनको पता है ट्रांसपोर्ट के सारे संसाधन बंद हो चुके हैं, इसलिए केवल ड्राइवर लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या चक्का जाम करना पड़े। जो काले कानून बनाए इसको वापस लेना चाहिए। ये इनकी बात गलत है। अगर ड्राइवरों का गला काट करके ये राम मंदिर का नाम दे रहे हैं तो ये गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राइवर है ये हवा हवाई नहीं है, ये किसान परिवार से ही है और ये लोग 10-12 हजार रुपए की नौकरी करते हैं और उस नौकरी पर अगर ये लोग अपने तरीके से कोई कानून बना करके 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना अगर थोप दे तो ये ड्राइवर बेचारे कहाँ से देंगे। इन्होंने पहले चर्चा करनी थी और इस पर जो ये काला कानून बनाया इस पर जरूरी था कि एक बार आपस में विचार कर लेते, इनकी यूनियन है ड्राइवर लोगों की, इनसे बात कर लेते, विचार विमर्श किया जाता। मेरा मानना है कि इस पर संशोधन की आवश्यकता है। कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति जो 10 से 12 हजार रुपए में नौकरी करता है वो कहाँ से 5-7 लाख रुपए का जुर्माना दे। देखिए सरकार हमेशा देश हित में अपने फैसले बताती है। जब किसानों के खिलाफ इन्होंने काले कानून बनाए थे, जब भी देश हित में फैसला बताया था, लेकिन किसानों को आवश्यकता पड़ी, हम लोग 1.5 वर्ष तक बैठे रहे, हमने वर्षा झेली, सर्दी झेली और जब जाकर के इनकी बात समझ में आई कि ये वास्तव में किसानों के साथ धोखा है, छलावा है, इन्होंने तब जाकर के वो कानून वापस लिए। देश में जिस तरह से लोग स्टेयरिंग को छोड़ करके ड्राइवर लोग बैठ चुके हैं, हर जगह तेल की किल्लत है, इनको पता है ट्रांसपोर्ट के सारे संसाधन बंद हो चुके हैं, इसलिए केवल ड्राइवर लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है। अगर ये ड्राइवरों के हितों में काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा ना हो तो इन्हें तुरंत जो काले कानून बनाए इसको वापस लेना चाहिए। किसान परिवार के सारे लोग हैं, जो ड्राइवर हैं ये कोई हवा हवाई नहीं आए, ये किसान परिवार के लोग हैं और किसान यूनियन और किसान संगठन हमेशा इन लोगों का सहयोग करेगा। नहीं, अगर 22 जनवरी को राम मंदिर का मुद्दा था तो ये अभी इस कानून को लाने की इनको क्या आवश्यकता थी। तो ये ही नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम, राम मंदिर का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी देशवासी कर रहे हैं, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, तो इन्हें जो ये काला कानून इन्होंने अब आरोप इन लोगों पे थोपा है, ये इसको राम मंदिर के जो उद्घाटन था उसके बाद कर देते। अगर इनको लगता है कि ये लोग बवाल कर रहे हैं तो इन्हें क्या जल्दबाजी थी इसको करने की। और राम मंदिर का सभी देशवासी स्वागत कर रहे हैं, हम लोग सभी इसके समर्थन में हैं। 22 जनवरी को बहुत सारे देशवासी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर में। लेकिन ये इनकी बात गलत है। अगर ड्राइवरों का गला काट करके ये राम मंदिर का नाम दे रहे हैं तो ये गलत है। नहीं, अगर एक बार आपस में विचार करते, इनसे बातें करते, ट्रांसपोर्ट यूनियनें बनी हुई हैं, इनसे सलाह मशवरा करते और जब कोई कानून लाते तो हो सकता है ये स्थिति पैदा ना होती। तो आंदोलन करने की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब ये लोग अपने तरीके से कोई कानून थोपना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, अब ड्राइवर लोगों के साथ ऐसा करें। और मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जितने भी ड्राइवर लोग हैं ये सभी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हम पूरी तरह से इनके साथ हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या चक्का जाम करना पड़े।